हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने HDS ट्यूटोरियल पर स्वागत है। आज हम लोग SRT क्लास 6 का मैथ सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 3.1। तो देखिए, चार नंबर और एक नंबर से लेकर तीन नंबर तक मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, आप प्लेलिस्ट पर जाकर बाकी वीडियो देख सकते हैं। फोर नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाइए। तो यहाँ पर देखिए, पहला नंबर +8, बी है -6, सी -2, डी +7 और ई -5, इसको संख्या रेखा पर दिखाना है। तो सबसे पहले हम लोग एक रेखा बनाते हैं। यहां पर सबसे पहले हम लोगों को एक रेखा बनाना है इस तरीके से। अब इसमें हम लोग संख्या लिखेंगे और बनाएंगे संख्या रेखा। तो हर एक सेंटीमीटर पर मार्क करना है आपको। आप कोई भी यूनिट ले सकते हैं, सेंटीमीटर या आधा सेंटीमीटर या फिर इंच, लेकिन जो दूरी है वो हर यूनिट का बराबर होना चाहिए इस तरीके से। तो मैं फिलहाल सेंटीमीटर यूज कर रहा हूं इस तरीके से। ओके, अब यहां पर मैं इसे जीरो मान लेता हूं। ओके, ये हमारा जीरो है। यहां पर -1, -2, -3, -4, -5 और यहां -6। फिर यहां पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, हम लोगों को देखिए 8 सबसे ज्यादा है, 8 है तो 8 तक जाना है। तो इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। आप पेंसिल से बनाइएगा ताकि मिटाने का जरूरत पड़े तो आप इसे मिटा सकें। हम लोग यहाँ तक चले जाते हैं और ये हमारा अगला है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा 7 है और यहाँ पर हमारा 8 है। ओके, तो देखिए अब हम लोग ए नंबर देखिए +8। तो देखिए यहां से जीरो से इधर 8 है प्लस में, तो ये वाला है 8। तो यहां पर हमारा हमारा ए है, तो इसको लिखना है ए। ओके, और यहां पर थोड़ा सा बड़ा सा गोल कर देना है, हाईलाइट कर देना है। अब बी नंबर देखिए -6, तो -6 यहां पर है, तो इसको भी हाईलाइट करके यहां पर बी दिखाना है। फिर सी में देखिए -2, -2 यहां पर है, इसको हाईलाइट करके यहां पर लिख देना है सी। फिर देखिए डी +7, +7 यहां पर है, इसको हाईलाइट करके यहां पर डी लिख देना है। फिर नेक्स्ट देखिए ई -5 है, तो यहां पर -5 आप देख सकते हैं, इसको हाईलाइट करके यहां पर ई लिख देना है। तो इस तरीके से संख्या रेखा पर हमने देखिए +8, फिर -6, -2, फिर +7 और फिर -5 सभी को दिखाया है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 5 नंबर की ओर। 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए हुए पूर्णांकों के बीच के सभी पूर्णांकों को बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। तो यहाँ पर जितना भी पूर्णांक दिया हुआ है सबको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो देखिए पहला नंबर का क्वेश्चन है, 0 और -7, 0 और -7 के बीच में जितना भी संख्या सभी को बढ़ते क्रम में लिखना है। तो देखिए संख्या रेखा यहाँ पर, संख्या रेखा में बाईं ओर छोटी संख्या होता है और दाईं ओर बड़ी संख्या होता है, तो बढ़ते क्रम में लिखते हैं। यहाँ पर देखिए बीच का लिखना है, तो हम लोग क्या करेंगे, -7 को छोड़कर डायरेक्ट -6 से शुरू करेंगे, फिर -5, फिर -4, -3, -1 और यहाँ पर 0 रहेगा, 0 को नहीं लिखना है क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यही हो गया हमारा आंसर, इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट बी नंबर, -3 और 3 के बीच में, तो चलिए हम लोग लिखते हैं, -3 से बड़ा हमारा -2 है, -2 से बड़ा -1, -1 से बड़ा 0, 0 से बड़ा 1, 1 से बड़ा 2, 2 के बाद तो यहाँ पर 3 आता है, तो 3 को नहीं लिखना है, इसका बीच का लिखना है। ओके, तो ये हो गया हमारा आंसर। फिर नेक्स्ट देखिए सी नंबर, -5 और 0, तो चलिए इसको बनाते हैं इसका आंसर। यहाँ पर देखिए -5 से बड़ा -4, फिर उससे बड़ा -3, -3 से बड़ा -2, -2 से बड़ा -1, उसके बाद यहाँ पर 0 आएगा, 0 यहाँ पर लिखा हुआ है। तो बस यही हो गया हमारा आंसर, इसे नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट देखिए डी नंबर, -8 और -15 के बीच का लिखना है, तो चलिए हम लोग लिखते हैं। यहाँ पर देखिए -15 सबसे छोटा है, तो उससे बड़ा -14 हो जाएगा, उसके बाद -13, ओके -13, फिर -12, फिर -11, -10, -9, फिर यहाँ पर आएगा -8, तो -8 तो दिया हुआ है ही यहाँ पर, तो उसको नहीं लिखना है। तो बस यही हो गया हमारा आंसर, आई होप समझ में आया होगा, इसे आप नोट कर लीजिए। फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 6 नंबर की ओर। 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित प्रत्येक
युग्मों में कौन सी संख्या संख्या रेखा पर दाईं ओर स्थित है? तो देखिए दाईं ओर कौन सी संख्या स्थित होगी संख्या रेखा पर, उसको बताना है। ए नंबर देखिए 2.8, दोनों में से कौन दाईं ओर स्थित होगा? तो देखिए जो बड़ा रहता है संख्या रेखा पर, जो बड़ा रहता है वो दाईं ओर स्थित रहता है, और जो छोटा रहता है वो बाईं ओर स्थित रहता है, बाईं ओर, इसको ध्यान देना है। तो दोनों में से बड़ा कौन है, देखिए दो है या आठ है, तो बड़ा कौन है, आठ, तो आठ हमारा दाईं ओर स्थित होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आठ, ये हो गया इसका आंसर, इसे नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट देखिए बी नंबर, -3 -8, दोनों में से बड़ा कौन है? दोनों में देखिए माइनस है, इसलिए जो छोटा दिख रहा है वो बड़ा हो जाएगा, यानी कि -3 बड़ा है, तो -3 यहां पर दाईं ओर रहेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा -3, इसे आप नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट देखिए सी नंबर, 0, -1, दोनों में से बड़ा कौन है? कॉमन सी बात है, देखिए ये वाला माइनस है तो माइनस इधर बाईं ओर रहेगा, 0 हमारा दाईं ओर रहेगा, 0 बड़ा है, तो यहां पर इसका आंसर हो जाएगा 0, ये हो गया इसका आंसर। फिर नेक्स्ट देखिए डी नंबर, 0, -5, तो दोनों में से बड़ा कौन है? 0 बड़ा है, तो 0 ही दाईं ओर रहेगा, तो इसका भी आंसर 0 हो जाएगा, इसे आप नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट देखिए ई नंबर, -6 और 6, तो दोनों में से कौन बड़ा है? यहाँ पर +6 बड़ा है, तो +6 दाईं ओर रहेगा, +6, ये हो गया इसका आंसर। फिर नेक्स्ट देखिए एफ नंबर, -15 और 12, दोनों में से बड़ा कौन है? 12 बड़ा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 12 दाईं ओर रहेगा संख्या रेखा पर, तो ये हो गया इसका आंसर, इसे आप नोट कर लीजिए। आई होप समझ में आया होगा, अगर कहीं पर दिक्कत हुआ है तो मुझे कमेंट कर दिए, मैं डाउट सेशन में क्लियर कर दूंगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 7 नंबर की ओर। 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है उसको बताना है। देखिए ए नंबर, सबसे छोटी ऋणात्मक पूर्णांक 0 है, तो ये गलत है। ओके, देखिए 0 कभी भी ऋणात्मक या धनात्मक में इसको हम लोग नहीं लिखते हैं। ओके, अब देखिए बी नंबर, -26 पूर्णांक -25 से बड़ा है, तो ये भी गलत है। -26 देखिए दोनों में माइनस है, तो जो संख्या छोटा दिख रहा है वो बड़ा हो जाता है, तो देखिए -25 बड़ा है यहाँ पर। ओके, इसलिए ये गलत है। फिर नेक्स्ट देखिए सी नंबर, संख्या रेखा पर -7 -11 के दाईं ओर स्थित है, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो बड़ा रहता है वो दाईं ओर स्थित रहता है, तो ये सही है। फिर नेक्स्ट देखिए डी नंबर, संख्या रेखा पर -50 -100 के दाईं ओर स्थित है, तो ये भी सही है, क्योंकि -50 बड़ा है -100 से, और यह दाईं ओर स्थित रहेगा, ये सही है। फिर नेक्स्ट देखिए ई नंबर, ऋणात्मक संख्याएं 0 से बड़ी होती है, तो ये गलत है, ऋणात्मक संख्या 0 से छोटी होती है। ओके, आई होप 7 नंबर समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 8 नंबर की ओर। वर्ष के किसी विशेष दिन को भारत के 5 स्थानों पर रहे तापमानों की सूची नीचे दी गई है। तो देखिए भारत का कुछ विशेष दिन का, ओके, ये हम लोग कह सकते हैं विशेष दिन का, विशेष 5 स्थानों का तापमान का सूची दिया हुआ, जैसे यहाँ पर स्थान का नाम देखिए सियाचिन, सियाचिन में तापमान 0 डिग्री से लेकर 10 डिग्री के नीचे था, और शिमला में देखिए 0 डिग्री से लेकर 2 डिग्री के नीचे था, और रांची में 0 डिग्री से लेकर 30 डिग्री के ऊपर, और दिल्ली में 0 डिग्री से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, और श्रीनगर में 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे। तो देखिए ए नंबर का क्वेश्चन है, इन स्थानों के तापमान को पूर्णांकों के रूप में लिखिए, तो इसको पूर्णांक के रूप में लिखना है, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए आपको अपने नोट कॉपी पर इस तरीके से एक चार्ट बनाना पड़ेगा, ओके, और यहाँ पर स्थान जितना भी स्थान दिया हुआ है, सियाचिन, शिमला, रांची, दिल्ली, सबको एक लाइन में लिखना है, और इसे तापमान को लिखना है। अब देखिए सियाचिन का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे है, तो इसको हम लोग लिखेंगे, नीचे है के लिए हम लोग माइनस लगाएंगे, ओके, -10 डिग्री सेल्सियस। फिर नेक्स्ट देखिए जीरो, यहाँ पर शिमला का 0 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस नीचे, नीचे के लिए हम लोग माइनस लगाएंगे, -2 डिग्री सेल्सियस। फिर नेक्स्ट देखिए रांची 0 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर ऊपर है, तो हम लोग ऊपर के लिए प्लस लगाएंगे, प्लस यहाँ पर देखिए रांची के लिए 30 है, तो 30 डिग्री सेल्सियस। फिर नेक्स्ट देखिए दिल्ली का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस ऊपर है, तो ऊपर के लिए फिर से हम लोग प्लस लगाएंगे, +20 डिग्री सेल्सियस। फिर देखिए श्रीनगर 0 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस, अच्छा श्रीनगर का नीचे है, 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे, तो यहाँ पर नीचे के लिए हम लोग माइनस लगाते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे -5 डिग्री सेल्सियस, तो ये हो गया इसका आंसर। अब देखिए नेक्स्ट, यहाँ पर निम्नलिखित संख्या रेखा
डिग्री सेल्सियस में तापमानों को निरूपित करती है। तो देखिए यहाँ पर पूरा तापमान को निरूपित कर रही है। तो देखिए बी नंबर, कौन सा स्थान सबसे ठंडा है। इसमें देखिए सबसे छोटा संख्या कौन है उसी में सबसे ज्यादा ठंडा रहेगा। तो देखिए -10 सबसे छोटा संख्या है यहाँ पर, यानी कि सबसे ज्यादा ठंडा सियाचिन में है, तो -10 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो बी नंबर का आंसर हो जाएगा सियाचिन। बी नंबर का आंसर लिखना है सियाचिन, सियाचिन ये हो गया इसका आंसर। सबसे ठंडा जगह क्या है? सियाचिन। इसे आप नोट कर लीजिए, आई होप समझ में आया होगा। अगर कहीं पर दिक्कत हो तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं डाउट सेशन में क्लियर कर दूंगा। इसी प्रकार के मेरे सभी वीडियो देखने के लिए इस सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब करें और साथ ही यहां पर बेल आइकन को ऑल में क्लिक करें। इसके बाद HDS ट्यूटोरियल को टच करें, आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको प्लेलिस्ट पर टच करना है, आपके सामने कुछ इस तरीके का मेरा सारा प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगा, क्लास 6, 7, 8, 9 सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज। तो यहां से आप सारा वीडियो मेरा देख सकते हैं। धन्यवाद।